एक एक करके आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पूरे मसले पर ट्वीट आ रहे हैं। अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, तस्वीरें आपके सामने। तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, 22 दिनों के अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर। तीन तस्वीरें, पहली तस्वीर में जब तिहाड़ से बाहर अरविंद केजरीवाल निकले, दूसरी तस्वीर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मोर्चा संभाले हुए यहाँ पर इंतजार करते हुए, तीसरी तस्वीर जश्न मनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी इस समय जश्न का माहौल। अंतरिम जमानत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को, सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में। इससे पहले भी इस पूरे मसले पर सुनवाई हुई और इसके साथ ही आज चार्जशीट भी राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल किया गया है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाई गई है जिसमें नाम अरविंद केजरीवाल का है, के कविता का है, लेकिन चुनावी ग्राउंड को मुद्दा बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया और कहा कि चुनाव के समय में ही गिरफ्तारी क्यों, ऐसे में मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के कर्ता धरता हैं और उन्हें चुनाव प्रचार की इजाजत देनी चाहिए। इसी ग्राउंड पर 22 दिनों की अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं। अक्षय राय मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। अक्षय, क्या तस्वीर है आपके पास, क्या जानकारी? देखिए, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रवाना हो चुके हैं। ये बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद अपने सिविल लाइन्स जो निवास है, कैंप ऑफिस है, वहां पर पहुंचेंगे और जमावड़ा भारी संख्या में कार्यकर्ताओं से था, उन्होंने अभिवादन वहां पर किया है तिहाड़ जेल के बाहर और उसके बाद उनका काफिला पीएम आवास के लिए रवाना हो चुका है। ये कहा जा रहा है कि लगभग आधे घंटे 40 मिनट के करीब वो सिविल लाइन्स अपने निवास पहुंचेंगे और वहीं पर कुछ लोगों से बैठक भी कर सकते हैं, ये खबर आ रही है। फिलहाल जिस तरह से 22 दिनों की सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है, चुनाव प्रचार का जो रूपरेखा है वो आज की बैठक में भी तय किया जाएगा, ये खबर आ रही है। कोर ग्रुप के साथ अपना बैठक भी अरविंद केजरीवाल अपने निवास पर देर रात कर सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि किस तरह से चुनाव प्रचार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अब लीड करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक जिस तरह से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पूरे अभियान को लीड कर रही थी और उनके जो भी संदेश आ रहे थे पार्टी तक पहुंचा रही थी, अब साफ तौर पर है कि अरविंद केजरीवाल जब खुद जमानत पर रिहा होकर के आ रहे हैं, अंतरिम जमानत उनको मिली है, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और वो उत्साह आम आदमी पार्टी के कार्यालय और तिहाड़ जेल के बाहर भी देखने को मिला है। कहा जा रहा है कि जो निवास है वहां पर भी अब साजो सज्जा का जो काम है वो शुरू हो चुका है और अरविंद केजरीवाल जब पहुंचेंगे तो धूमधड़ाके के साथ उनका वहां पर स्वागत किया जाएगा, वैसी तैयारियां अरविंद केजरीवाल के निवास पर की जा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन 2 जून को फिर उन्हें सरेंडर भी करना है, ऐसे में जाहिर है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कई प्रयास किए जाएंगे, तो क्या कुछ उस प्रोसेस में होता है अगर आप ये बता पाए? और देखिए, 2 जून को उनको वापस सरेंडर करना होगा, उससे पहले आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपनी रणनीति को अमली जामा पहुंचाएंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से दिल्ली में उनकी रैली आयोजित की जाएगी, इसके साथ ही साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी क्योंकि अकेले लड़ रही है तो वहां पर भी प्रचार प्रसार करने जाएंगे और संभव है कि अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन के नेता और जगह पर भी प्रयोग करें, ऐसी खबरें भी आ रही है। फिलहाल वो जब पहुंचेंगे उसके बाद कोर ग्रुप के साथ उनकी बैठक होगी, जिस तरह सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, अतिशी सहित तमाम मंत्री उनके साथ बैठक कर सकते हैं। फिलहाल वो सीएम तो है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जो कि चुनाव को इसको जांच को प्रभावित करे, तो साफ तौर पर है कि अब सिर्फ चुनावी समीकरण के हिसाब से ही अरविंद केजरीवाल को काम करना होगा और किस तरह से आम आदमी को मजबूत करना होगा और उस पर उनकी उनका फोकस रहेगा, ये खबर आ रही है कि कुछ देर बाद पहुंचेंगे, उसके बाद देर रात उनके साथ से तमाम मंत्रियों की बैठक होगी और जो भी जो किस तरह से पार्टी आगे बढ़ रही है, किस तरह से गठबंधन के साथ तालमेल किया जा रहा है, सब पर वो बैठक लेंगे और उसके बाद अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाएंगे। तो ये माना जा रहा है कि पहले दिल्ली में वो तमाम जगहों पर प्रचार करने जा सकते हैं, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आ पाया है कि कब उनका कार्यक्रम लगेगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि कल के बाद वो कभी भी ये कार्यक्रम लगाया जा सकता है, खास करके आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में पहले जनसभा, उसके बाद इंडिया गठबंधन के समर्थन में भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, तिहाड़ जेल से केजरीवाल इस समय बाहर, वहीं सीएम आवास पर
स्वागत की तैयारियां इस वक्त की जा रही है। अरविंद केजरीवाल के जो समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं, वो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं।